डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर लोगों से हमेशा कहा करते थे, अच्छा दिखने के लिए मत जियो बल्कि अच्छा बनने के लिए जियो। मैं तो जीवन भर कार्य कर चुका हूँ, अब इसके लिए नौजवान आगे आए। वह युवा वर्ग से अपील करते थे, मेरे नाम की जय जयकार करने से अच्छा मेरे बताए हुए मार्ग पर चले। जय भीम नमो बुद्धाय, आप सभी का स्वागत है इस नए YouTube चैनल पर जिसका नाम है बोधिसत्व। तो जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के उन विचारों पर जो विचार हमें जीने की प्रेरणा देते हैं और उन्हीं विचारों पर आज हम चल रहे हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को बता दूं, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो नए वीडियो आएंगे वो आप सबसे पहले देख पाएंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर लोगों से हमेशा कहा करते थे कि जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती वह कौम कभी इतिहास बना नहीं सकती। वो लोगों को भाग्य के बजाय अपने आप को मजबूत करने की बात किया करते थे। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अपने भाषणों में हमेशा कहा करते थे कि जीवन लंबा होने की बजाय महान होना चाहिए। वो हमेशा कहा करते थे कि उदासीनता लोगों को प्रभावित करने वाली सबसे खराब बीमारी है। ऐसा कहकर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर लोगों को हीन भावना से दूर निकालना चाहते थे। जातीय भेदभाव का दंश झेल रहे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर सामाजिक बदलाव चाहते थे। वह कहा करते थे कि किसी का भी स्वाद बदला जा सकता है लेकिन जहर को अमृत में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर समाज में महिलाओं के उत्थान प्रबल समर्थक थे। वो महिलाओं के उत्थान के लिए किसी भी कौम का विकास मापते थे। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे कि रात रात भर मैं इसलिए जागता हूँ क्योंकि मेरा समाज सो रहा है। वो कहा करते थे, इस दुनिया में महान प्रयासों से प्राप्त हुई चीज को छोड़कर दूसरी कोई भी बहुमूल्य चीज नहीं है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने राजनीति में प्रवेश पर कहा था, मैं राजनीति में सुख भोगने के लिए नहीं बल्कि अपने सभी दबे कुचले भाइयों को उनके अधिकार दिलाने आया हूँ। वो कहते थे कि जो व्यक्ति अपनी मौत को हमेशा याद में रखता है वह सदा अच्छे कार्य में लगा रहता है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मनुवाद को जड़ से समाप्त करना चाहते थे। वह कहते थे कि जो धर्म जन्म से एक को श्रेष्ठ और दूसरे को नीच बनाए रखे वह धर्म नहीं गुलाम बनाए रखने का षड्यंत्र है। डॉक्टर बाबा साहब का कहना था, मैं ऐसे धर्म को मानता हूँ जो स्वतंत्रता समता बंधुता भाईचारा सिखाए। वो कहा करते थे, दिमाग का विकास मानव अस्तित्व का परम लक्ष्य होना चाहिए। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का यह मानना था, एक सुरक्षित सेना एक सुरक्षित सीमा से बेहतर है। और बाबा साहब का यह मानना था और पूरे देश को जिसने प्रेरणा दी वह ये है, हम सबसे पहले और अंत में भारतीय ही है और भारतीय ही रहेंगे। तो साथियों, आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट दें, शेयर करें और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो अच्छे से अच्छे वीडियो आएंगे वो आप देख पाएंगे। तो मिलते हैं फिर से, तब तक जय भीम नमो बुद्धाय जय भारत।